तो इसी के साथ मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है फेज इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, और जो फेज इक्विलिब्रियम है याद रखिएगा, ये बात हम हेट्रोजीनियस जितो जो भी हमारे पास सिस्टम होते हैं उनके बीच में जो सब्सटेंस है उनके आपस में अगर वो एक से ज़्यादा फेज में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड है। क्या ये कंसेप्ट है? इस कंसेप्ट से रिलेटेड मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। यस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले हमारे पास कुछ टर्म्स है इससे रिलेटेड, क्योंकि जो फेज रूल है जो गिब्स ने दिया था उस फेज रूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए वो रूल दिया था, और उस रूल के अंदर मेन क्या था, फेज रूल था कि एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। यस, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। यहाँ व्हाट इज द सी हेयर, सी इज द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम एंड पी इज द फेज ऑफ द सिस्टम एंड एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो याद रखिएगा कि हमें इस चैप्टर के अंदर फेज रूल और फेज डायग्राम में के बारे में पढ़ना है, और फेज रूल में सबसे पहले जो टर्म्स दी गई है उनको समझना और कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले आज जो लेक्चर आपके सामने है उसमें इनसे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है उनको एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल, और मैं आज आपको इन सारे कंसेप्ट को क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही पूछूंगा बेटा। यस, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं इनसे रिलेटेड, आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा और उसमें से आपको फेज पहचानने होंगे, आपको कंपोनेंट पहचानने होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो एज ए कॉन्टेस्ट के तौर पे, क्विज कॉन्टेस्ट के तौर पे ही होने वाला है, तो आज इसको आप ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल बेटा, यस। सबसे पहले मेरे पास जो कंसेप्ट है वो है, जो हम पढ़ रहे हैं वो है फेज क्या चीज होती है। देखिएगा, फेज को समझने से पहले आप इस डेफिनेशन पर बहुत गौर कीजिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। फेज अपने आप में एक होमोजीनियस सिस्टम होता है। देखिए, होमोजीनियस है फिजिकल डिस्टिंक्ट हो सके जो, और जो मैकेनिकल सेपरेबल हो सके, ऐसी चीज को फेज कहा जाता है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक कंटेनर, और उस कंटेनर में आपने क्या कर रखा है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मान लीजिए आपने बेंजीन डाल रखा है। यस, और अब आपने उसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो ऊपर क्या चीज होगी, एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि जो इनऑर्गेनिक पार्ट और ऑर्गेनिक पार्ट अगर दोनों एक दूसरे में मिसिबल नहीं है, मिसिबल नहीं है, हालांकि दोनों ही आप स्टेट को देख सकते हैं, दोनों ही आपके पास क्या चीज है, अभी देखिए दोनों ही आपके सामने क्या चीज है, आप दोनों बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। देखिए, एक जहां खत्म हुआ दूसरा वहां लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब ऊपर वाले हिस्से को आप नीचे वाले हिस्से से सेपरेट कर सकते हैं, मैकेनिकली इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसकी खुद की बाउंड्री है। इस यहां से आप डेफिनेशन के अंदर देखिए कि वो क्या होना चाहिए, वो खुद होमोजीनियस होना चाहिए। अगर ये वाटर है तो वाटर खुद होमोजीनियस है, नीचे बेंजीन है वो खुद होमोजीनियस है, ठीक है, और फिजिकल डिस्टिंक्ट है, इसकी खुद की बाउंड्री है, इसकी खुद की बाउंड्री है, और मैकेनिकल सेपरेबल है। आप इस ऊपर वाले सॉल्यूशन को निकाल सकते हो, नीचे वाले से सेपरेट कर सकते हो। ये चीज क्या हुई, ये आपके पास हुआ फेज क्या चीज है। अब यहां आप सोच रहे होंगे फेज तो सर हम सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे सोचते हैं, बिल्कुल इसके एग्जाम्पल पे लेके चलता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक लिक्विड है जो वाटर है, और आपने इसमें क्या डाल रखा है, इसमें आइस डाल रखी है। सपोज इसमें आपके पास क्या है, आइस का कोई पीस है, तो आइस को बिल्कुल आप सेपरेट कर सकते हैं। आइस खुद क्या है, आइस एक हालांकि वाटर है वो भी, देखिए हालांकि H2O वो भी है, लिक्विड फॉर्म में भी H2 है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज हुई ना, एक बिल्कुल सॉलिड है जिसको आप डिस्टिंक्ट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, पानी से अलग निकाल सकते हो। आपको पता है आइस की बाउंड्री यहां तक है, लिक्विड की बाउंड्री यहां तक है, अगर इसी के ऊपर वाटर वेपर्स होते तो आपको पता है कि ऊपर वाला हिस्सा वेपर है, नीचे वाला हिस्सा लिक्विड है, इसकी खुद की बाउंड्री है, लिक्विड यहां तक है, इससे ऊपर जो है वो वेपर्स है। तो आप अगर उसे ही फेज कहोगे, अगर वो खुद तो क्या है, खुद तो होमोजीनियस है, फिजिकल डिस्टिंक्ट है और मैकेनिकल सेपरेबल है, तो ऐसे सिस्टम के पार्ट को एक फेज कंसिडर किया जाता है। यस, और आप आगे चलिएगा और बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको कही कि उसकी खुद की डेफिनेट बाउंड्री होनी चाहिए। यस, कोई भी दो फेज अगर अलग अलग है तो पता कैसे लगे, क्योंकि उनकी खुद की डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी, आप बता पाएंगे कि यहां तक ये फेज है और इसके बाद ये फेज है। यस, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने जब आपको यही कह दिया कि पानी में आपने आइस डाल रखी है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि आइस खुद क्या है, आइस तो एक फेज हुआ ना, एक सॉलिड फेज हुआ, और वाटर खुद क्या है, वाटर H2O का एक लिक्विड फेज है। अगर वाटर के ऊपर वेपर्स होते तो आप पता है अभी यहां तक वेपर है सर, तो वेपर क्या होता, उसकी खुद की बाउंड्री है। तो ऐसे हर एक फेज की खुद की बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री को इंटरफेस भी बोला जाता है।
तो इंटरफेस खुद क्या है, वो बाउंड्री ही होती है जो दो फेज के बीच की होती है, जो उसको सेपरेट करती है, उसी बाउंड्री को इंटरफेस भी बोला जाता है। कुछ एग्जांपल देखिए, मैं सबसे पहले सॉलिड फेज के कुछ एग्जांपल की बात करता हूँ। इस एग्जांपल में आप इम्पोर्टेंट बात, जो ये टर्म जो जो बातें बोल रहा हूँ वो आपको आगे एग्जाम्पल को पहचानने में काम आएगी। यस, हर एक सॉलिड फेज को, हर एक सॉलिड फेज को आप क्या मानोगे, आप एक सेपरेट फेज मानोगे। हर एक सॉलिड फेज को आप क्या कंसीडर करोगे, खुद एक सेपरेट फेज कंसीडर करोगे। इसका मतलब अगर आपने मान लीजिए तीन चार सॉलिड को मिक्स कर रखा है, सपोज कर लीजिए कि आपके पास NaCl है, सपोज कर लीजिए आपके पास KCl है, सपोज कर लीजिए आपने ग्लूकोज ले रखा है, तीन चार सॉलिड आपके पास है, आपने मिक्सचर बना रखा है, तो वो मिक्सचर खुद क्या हुआ, जो NaCl जितने टाइप के उसमें सॉलिड मिक्स है उतने ही फेज होंगे। ये देखिए, तो नंबर ऑफ सॉलिड फेज कितने कंसिडर किए जाएंगे, जितने उसमें सॉलिड हैं, जितने टाइप के उसमें सॉलिड है उतने ही टाइप के सॉलिड फेज भी कंसिडर किए जाएंगे। यस, अब इस बात को समझ गए होंगे। यस, अगर मान लीजिए कि आपके पास चार अलग अलग टाइप के सॉलिड है, कोई चार अलग अलग चीज है, मान लीजिए आपने एक क्या ले लिया, आपने मिट्टी ले ली, यस, एक सॉलिड हो गया। दूसरा मान लीजिए आपने चीनी ले ली, यस, तीसरा आपने साल्ट ले लिया, चौथा आपने आयरन ले लिया, तो चारों चीजों को मान लीजिए आपने मिक्स कर दिया, तो चार अलग अलग टाइप के सॉलिड है, तो चार इसमें अलग अलग टाइप के सॉलिड फेज भी है, तो हर एक सॉलिड को एक सॉलिड फेज कंसिडर किया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। यस, अब देखिए, तो जित एक सॉलिड की जितनी भी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, जैसे हम देखते हैं कि कार्बन की बात करते हैं, कार्बन डायमंड फॉर्म में होता है, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में होता है, कार्बन फुलरीन फॉर्म में होता है, तो जितनी भी फॉर्म है वो अलग फेज कंसीडर किए जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी अलग से स्ट्रक्चर होती है। हाँ, जैसे मान लीजिए सल्फर की बात करें, रोम्बिक सल्फर आपको कहे, मोनोक्लिनिक सल्फर कहे, तो मोनोक्लिनिक और रोम्बिक हालांकि दोनों सॉलिड है, तो मोनोक्लिनिक का खुद का मेल्टिंग पॉइंट है, रोम्बिक का खुद का मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो ऐसे क्या होता है, हर एक स्ट्रक्चर जो है अगर वो अलग है, एक सॉलिड की एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो उससे खुद को एक फेज माना जाएगा। तो यहां से क्या क्या बातें फाइनल हुई सॉलिड से रिलेटेड, जितने सॉलिड है उतने फेज है, और एक सॉलिड की एक से ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो जितनी एलोट्रोपिक फॉर्म है उनको भी डिफरेंट सेपरेट फेज कंसिडर किया जाएगा। अब मैं कुछ प्रैक्टिस की बात करता हूं। देखिए, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा बेटा आपसे, जितने भी प्रेजेंट है, अगर आप प्रेजेंट हो और इसको ऑन करके नहीं छोड़ के गए, और एक बार सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए नहीं आए, और अगर आप प्रेजेंट है, तो आज आप इन क्वेश्चन के जवाब दीजिए, क्योंकि ये दो चैप्टर जो पेंडिंग है मैं ऐसे करवाना चाहता हूं कि इनके क्वेश्चन आपके चूके ही ना किसी भी टाइप से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये खुद की टीचर की थिंकिंग पर भी डिपेंड करेंगे, इसलिए क्वेश्चन ही ऐसे हैं, और मैंने इस लेक्चर को बनाया भी ऐसे है, वरना इसे भी मैं बोर्ड पर बना सकता था, और पर लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा था। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने इसे पावर पॉइंट स्लाइड्स में कन्वर्ट किया, और इसमें आप भी समझ पा रहे हैं, टाइम हमें भी ज्यादा लगा, इसलिए एक दिन थोड़ा सा आप तक पहुंचने में हमें टाइम लग गया। यस, तो यस बेटा पहले बोलिए, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं क्या? यस, अदरवाइज मैं इस लेक्चर को एज इट इज निकाल दूंगा जी, जैसे आपको सूटेबल लगे। आप देख रहे हैं, पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो पूछूं, ये बात लास्ट लेक्चर में बोल के गया था कि आगे से मैं प्रैक्टिस की फॉर्मेट में ही आऊंगा। यस, अगर आप कहते हैं ठीक है, वरना मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं फास्टली इस लेक्चर को डिलीवर करके चला जाता हूं। यस यस बेटा, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इतनी देर में आप बता दीजिए, अदरवाइज मैं इसको विदाउट प्रैक्टिस ही आगे खुद बता दूंगा। यस बेटा जी, ओके बेटा, ओके। देखिए सबसे पहला, यस, अब मान लीजिए कि आपके पास क्या है, फास्फोरस है, तो फास्फोरस का एक मिक्सचर है जिसमें एक रेड फास्फोरस है और एक येलो फास्फोरस है, दो अलग अलग तरह के फास्फोरस है। अगर दो अलग अलग तरह के फास्फोरस है, तो बताइए इसमें कितने तरह के, कितने फेज कंसीडर करोगे? इसमें फास्फोरस एक ही है देखिए, लेकिन उसके दो कलर हैं, एक रेड है और एक येलो है। यस, ऐसे मिक्सचर में कितने फेज है? यस बेटा, कितने फेज है? यस, आसान से लगाऊं बेटा, बहुत आसान से, कितने फेज है? एक मिक्सचर आपको दे रखा है रेड और येलो फास्फोरस का, उसमें कितने फेज है? टू, वेरी गुड, वेरी गुड। वन नहीं भी, वन कहां से होगा बेटा? अच्छा, आप ये सोच पा रहे हैं कि फास्फोरस तो एक ही हुआ ना, जैसे सर ने बोला कि फास्फोरस एक ही है तो एक टाइप है, नहीं बेटा, दो टाइप है, दो फेज है,
क्योंकि रेड और येलो कलर ऐसे ही नहीं हो जाता, इसका मतलब वो उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है। और ये बात ऊपर लिखी हुई है कि एक सॉलिड की एक से ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म है तो उतने ही उसके फेज कंसीडर किए जाएंगे, तो इसमें दो फेज होंगे बेटा। यस बिल्कुल दो फेज होंगे, वेरी गुड बेटा। आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं एक क्लोज कंटेनर में, कितने फेज होंगे? एक क्लोज कंटेनर है, आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, कितने फेज होंगे बेटा? यस प्राइज रखूं क्या बेटा? यस कि फास्ट कौन देगा? हम पूरी क्लास को बोलिए बेटा प्रेजेंट होइए आज। यस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है एक क्लोज कंटेनर में, कितने फेज है? दो फेज बेटा। ये जो आईडी है लखविंदर रेनू जो है बेटा, स्टूडेंट्स का नाम नहीं पता मुझे। यस साथ में नेम लिख दीजिएगा। यस दो फेज लगता आपको? यस सभी को दो फेज लगते हैं। यस यस बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं इसका आंसर बताता हूं। यस वन फेज काजल, वन फेज। यस वेपर फेज एंड सॉलिड फेज, आपको दो फेज लगते हैं इसमें। ओके ओके यस बेटा, मैं इसका आंसर बताता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। यस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट बकायदा सॉलिड है, अगर हीट करो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज लाइम, CaO, वो एक सॉलिड है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो दो तो बेटा सॉलिड ही हो गए वहां पे, एक कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, एक CaO हो गया, दो तो सॉलिड हो गया, तीसरा वहां कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो गैसियस फेज में है, बिल्कुल अलग चीज है वो भी, तीन चीज होगी। यस दो तो सॉलिड हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट एंड लाइम, क्विक लाइम, CaO एंड CaCO3, दो फेज तो ये हुए क्योंकि क्लोज कंटेनर था और क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता, तो एक तो क्या चीज बन जाती? कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा क्या होता? CaO, दूसरा क्या होता? CaO। यस तीसरी चीज क्या होती? कार्बन डाइऑक्साइड, तीन चीज हो जाती बेटा। यस एक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फेज में होता, CaO भी सॉलिड फेज में होता, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में होती, वहां तीन फेज है बेटा, दो फेज नहीं है, दो सॉलिड है और एक गैसियस स्टेट है कार्बन डाइऑक्साइड की। यस इसका आंसर होना चाहिए था कि वहां तीन फेज है ना कि दो फेज। यस क्लियर बेटा, ध्यान रखिएगा दो सॉलिड है वहां पे। यस मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं। यस आपके पास आइस है जो फ्रोजन आइस है लेकिन पार्शियली फ्रोजन है, कंप्लीट फ्रोजन नहीं है, आपको बताना है वहां कितने फेज है। यस आइस है पूरी नहीं जमी हुई, ऐसा केस है, कितने फेज है वहां पे? यस आइस है पूरी जमी हुई नहीं है, एनीवन? या जवाब दूं? टू मनप्रीत बेटा, कौन कौन से टू लग रहे हैं? एक आइस लग रहा है, एक वाटर, ये दो लग रहे हैं क्या? यस ओके टू फेज, टू फेज। यस टू फेज, टू फेज, सभी को ये लग रहा है टू फेज। यस ओके ओके, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है बेटा, तीन फेज किसने बोला? ये आईडी है बेटा गायत्री सिहाग, नाम नहीं पता बेटा बच्चे का जो ये कह रहे हैं तीन फेज हो गए। यस काजल तीन फेज, बेटा आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है सभी ने, मैंने कहा पानी है तो पानी के ऊपर पानी के वेपर्स हैं, आइस है तो आइस के ऊपर आइस के वेपर्स हैं, वो फेज कहां गया? यस यस बेटा गैसेस फेज जो उनका वेपर फेज है वो कहां है? जब आइस बन रही होगी, इसका मतलब एक जगह लिखा होता है दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, वेपर प्रेशर, तो वेपर तो होगा, वेपर फेज तो एग्जिस्ट करता है बेटा। देखिएगा इसमें ऐसे केस में आप वेपर्स को मत भूलिएगा, अगर वो कहता है ना कि ओपन है
तो वेपर चाइना कंसीडर कीजिए, अगर क्लोज में है तो वेपर को कंसीडर आपको करना पड़ेगा उस जगह पे, यस ओके। अगर वेपर कंसीडर करते हैं तो आंसर इज थ्री, अगर नहीं कंसीडर करते हैं देन आंसर इज टू, ब्रैकेट में लिखा आएगा बेटा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यस ओके। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट, अभी जो मैंने केस आपको लिया सिर्फ सॉलिड का केस लिया था, अब मैं बात कर रहा हूं लिक्विड फेज की, यस। तो देखिए लिक्विड फेज की पहले कुछ कंडीशंस बता देता हूं। कंडीशंस ये है कि जितने लिक्विड फेज किस पे डिपेंड करेगा, अगर जितने भी आपने लिक्विड लिए हैं क्या एक दूसरे में बिल्कुल मिसिबल है क्या। देखिए मान लीजिए कि आपने क्या किया, अल्कोहल ले लिया और आपने क्या लिया, वाटर ले लिया, और दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो मिक्स होने के बाद तो एक सॉल्यूशन बन गया ना, वो एक ही फेज कंसीडर किया जाएगा। तो नंबर ऑफ लिक्विड फेज किस बात पर डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ लिक्विड फेज इस बात पर डिपेंड करेंगे कि आपके पास जो लिक्विड लिए गए हैं उनकी मिसिबिलिटी क्या है। बेटा एक तो मैं सभी बच्चों को यह बात बोलूंगा कि सारे के सारे बच्चे ऑनलाइन नहीं है, मेरे पास सिर्फ अब जो केस है वो 12 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास ऑनलाइन है, वो भी अब 11, यस। अगर बाकी सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब या तो उनके लिए लेक्चर लग नहीं रहा, और या फिर मैं जो है वो शायद इस गलती उम्मीद से आ रहा हूं कि बेटा आप लोग पढ़ने के लिए हैं, मैं भी फिर मेरा फास्टली ये काम करवा दूं ना बेटा, थोड़ा सा ये तो सोचिए, यस। तो अगर आप लोग सारे प्रेजेंट हैं, नहीं भी हैं तो इन्फॉर्म कीजिए बेटा सभी को, यस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वैसे अगर पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस फॉर्मेट में लेके आया हूं मैं, ओके। तो बेटा नंबर ऑफ लिक्विड फेज किस बात पे डिपेंड करेंगे, इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आपके पास जो लिक्विड है क्या वो सारे मिसिबल है क्या। अगर तो सारे के सारे मिसिबल है, अगर सारे मिक्स हो गए तो एक ही लिक्विड बन गया ना, उसको एक ही लिक्विड कंसीडर किया जाएगा। तो ओवरऑल साफ क्लियर है कि किसी भी लिक्विड की, अगर आप लिक्विड फेज के अंदर किसी भी सॉरी लिक्विड्स के फेज कैलकुलेट करना चाहते हो तो डिपेंड इस बात पे करेगा कि लिक्विड क्या मिसिबल है या नहीं है, इस बात पे, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, कंप्लीटली मिसिबल अगर लिक्विड है तो आप उसको सिंगल फेज ही कंसिडर करोगे, ये बात याद रखिएगा, अगर कंप्लीटली मिसिबल है तो आप सिंगल फेज ही कंसीडर कीजिए, यस। और अगर मान लीजिए मिसिबल नहीं है, दो चीज है कंप्लीटली मिसिबल नहीं है, इसका मतलब वो दो अलग अलग फेज माने जाएंगे, तो जितने इमिसिबल लिक्विड है उतने ही फेज कंसीडर किए जाएंगे, ये बात याद रखनी है बेटा, क्योंकि इसी के बेस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरी बात फिर सुन लीजिए, जितने भी लिक्विड है अगर सारे के सारे मिसिबल है, जितने भी लिक्विड है अगर सारे के सारे मिसिबल है, तो कंसीडर कर लीजिए कि सारा एक ही क्या माना जाएगा, एक ही फेज माना जाएगा, अगर वो इमिसिबल है तो ही उनको डिफरेंट फेज कंसीडर किए जाएंगे, ओके। इसी के बेस पे देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको कहा है कि ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, यस, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, बताइए बेटा कितने फेज है। ग्लूकोज को पानी के अंदर डिजोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है, आपको बताना है इसमें कितने फेज है, यस बेटा आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, यस। फिर रिपीट करता हूं, ग्लूकोज को पानी में डिजोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है, कितने फेज है, ओके। बेटा ये आईडी किसकी है मैं नहीं जानता, करण नाम से आईडी है, एक फेज बोल रहे हैं, यस, वन फेज सिंगल फेज, यस। सभी को लगता है आंसर सिंगल फेज, बिल्कुल, क्योंकि ग्लूकोज पानी के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, यस। और अगर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा तो वो चीज क्या होगी, यस, तो एक ही फेज कंसीडर किया जाएगा, वेरी गुड, क्लास मेरी बहुत ही इंटेलिजेंट है, वेरी गुड बेटा, यस, इसका मतलब आप लेक्चर अच्छे से सुन पा रहे हैं, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, आपको कहा है कि एक लेक है, एक लेक है एटमॉस्फेयर में ओपन है, ध्यान से समझिएगा, एक लेक है और उसमें एक आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है, यस, एक लेक में एक आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है और उसके एटमॉस्फेयर को भी अंदर इंक्लूड करना है इन वन सिस्टम, उसने साफ साफ कहा है एक आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है लेक में, उसके एटमॉस्फेयर को आपको अंदर कंसीडर करना है, बताइए कितने फेज है, यस। मेरे पास बेटा सिर्फ 10 वाचिंग है, 10 ही बच्चे हैं जो ऑनलाइन है, यस, पूरी क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन है, यस।
बेटा आपको बताना है कितने फेज है। आपको ये कहा है कि एक लेक है जिसमें आइसबर्ग और उसके एटमॉस्फेयर को एक सिंगल सिस्टम में कंसीडर करना है, बताइए कितने फेज है। यस ओके, टू फेज टू फेज टू फेज टू फेज, यस ओके ओके टू फेज, यस ओहो सारी क्लास टू फेज, ज्यादा प्रेज होगी बेटा। आंसर इज थ्री फेज बेटा, कहाँ हो, जब उसमें साफ साफ लिखा है एटमोस्फियर को कंसीडर करना है तो वेपर को कंसीडर तो करो ना, कहा होता तो मत करते। लेक है तो नीचे पानी होगा ना, कंफर्म है। आइसबर्ग है, फ्लोट कर रहा है, उसने साफ साफ कह दिया, तो एक सॉलिड फेज हुआ ना। आइस जो तैर रही है वो एक सॉलिड फेज हुआ, पानी के अंदर तैर रही है वो एक लिक्विड फेज हुआ, दो फेज हुए। और तीसरा वो कह रहा है एटमोसफियर भी कंसिडर कर लीजिए, तो वो तीसरा फेज हुआ। वेरी गुड, एक बच्चा है जिसने आंसर तीन दिया है। वेरी गुड बेटा, यस वेरी गुड, मे भी दीपाली है, यस वेरी गुड बेटा, यस तीन फेज है बेटा इसमें, ध्यान से। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यस एटमॉस्फेयर को अंदर लेने का मतलब है बेटा, एटमॉस्फेयर को भी सिस्टम में कंसीडर करना है, उसका ये मतलब है। उसने कहा है कि एटमॉस्फेयर इन वन सिस्टम, आपको फ्लोटिंग आइसबर्ग भी, लेक भी और एटमॉस्फेयर भी, मतलब ऊपर गैसेस को भी आपने सिंगल सिस्टम में कंसीडर करना है। यस इसलिए तीन फेज हो गए थे उसके। अब आपके पास अगला एग्जाम्पल है कि आपको कहा है एक एक्वस सोल्यूशन है NaCl का, नमक का एक्वस सॉल्यूशन है, यस, और सुपर सैचुरेटेड है, ये पूछा है। ओके ओके थ्री थ्री बेटा, सोच लीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा सोच लीजिए। यस अच्छा बेटा, पहले वाले का आंसर है क्या ये, या जो मैंने कहा है कि सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सुपर सैचुरेटेड स्टेज में है, वर्ड पे जाइए, सुपर सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, फोर फेज। ओके फोर फेज बेटा, थोड़ा समझाएंगे कौन कौन से फोर फेज। टू फेज, ओके टू फेज, फोर फेज, टू फेज, टू फेज, टू फेज, वन फेज, वन फेज, सोनिया शर्मा, सनानाज, वन फेज, ओके उषा, वन फेज बेटा, अच्छा थ्री फेज, किरण बेटा कहीं तो, अरे पूरी क्लास ही मैच नहीं हो रही, कोई कुछ बोल रहा है, क्या कर रहे हो बेटा आप लोग। चलो एक बात सोचिए, चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। NaCl को पानी में डिजोल्व करोगे, डिजोल्व हो जाएगा, कंप्लीट एक सॉल्यूशन बनेगा ना, बिल्कुल। अब वो क्या कह रहा है, लेकिन सुपर सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड का मतलब जब तक डिजोल्व करना था तब तक तो कर दिया, और भी कर दिया, और भी कर दिया, तो इसका मतलब सॉलिड नीचे बैठ चुका है, तो एक तो सॉलिड हो गया और एक क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, दो ही चीज हुई। अब सोचिएगा इसमें वेपर कंसीडर क्यों नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, यस इसमें वेपर कंसीडर मत कीजिएगा, यस क्योंकि इसने कहा नहीं है इंक्लूड करना है, नहीं कहा, ये मैंने पहले कहा था, अगर इंक्लूड करने के लिए बोले तो ही करना है, तो इसमें दो ही फेज है। जिन्होंने आंसर दिया था टू फेज, वेरी गुड, सुपर सैचुरेटेड वर्ड का मतलब सुन लीजिए, बहुत ऐसे फिल्टर कर करके इन क्वेश्चन को निकाला गया है, पूछा जा सकता है, यस बेटा वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, अब आपको कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने गैसेस फेज के, पहले समझ लीजिए गैसेस फेज में फेज किसको कंसिडर करोगे। नेक्स्ट है गैसियस फेज में फेज किसको कंसीडर करोगे, पहले इस बात को समझ लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। यस तो देखिएगा किसको कंसीडर करोगे, अगर आपने गैसेस के मिक्सचर बना रखे हैं, अगर जितनी भी गैसेज उसमें मिक्स है, अगर वो सारी की सारी गैसेज आपस में मिक्स है, तो आपको क्या करना है, उसे सिर्फ सिंगल फेज कंसीडर करना है। आप ये नहीं सोचना सर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक होगी, हाइड्रोजन दूसरी होगी, अमोनिया तीसरी होगी, बिल्कुल नहीं सोचना। अगर सारी की सारी गैसेज आपस में मिक्स है, आपने मिक्सचर बना रखा है, तो समझ लीजिएगा मिक्सचर के केस में सारी की सारी गैसेज को एक ही फेज में कंसीडर करना है, ये बात याद रखिएगा बेटा मेरी।
तो अगर लेकिन एयर को मत कर दीजिएगा, क्योंकि एयर में डस्ट होते हैं, डस्ट इज ए सॉलिड पार्टिकल, यस डस्ट सॉलिड पार्टिकल होता है डस्ट में, इसके अलावा एयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं, अकेली गैसेज ही नहीं होती, वाटर वेपर्स भी होते हैं, इसके अलावा एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, इसके अलावा देखिए गैसेज होती है वो तो होती ही है, यस yes.